हमारे देश भारत में नदियां अपने प्रवाह में बहती जाती हैं और उनकी अलग कहानी है। भारत के उत्तर में जहां गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्री जैसी नदियों का साम्राज्य है, वहीं दक्षिण क्षेत्रों में कृष्णा और गोदावरी नदियों ने अपना अस्तित्व बनाया है। वास्तव में नदियों का साम्राज्य सदियों पुराना है और हर एक नदी की एक अनोखी कहानी है। सदियां बदलती गई, लेकिन नदियों ने अपना स्थान और दिशा नहीं बदली। भारत को यदि नदियों का देश कहा जाए तो यह वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के साथ इस देश में न जाने कितने ही नदियां हैं जो अपने जल से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही हैं। ऐसी ही एक पवित्र और खूबसूरत नदियों में से मध्य प्रदेश में बहने वाली बेतवा नदी। आइए जानते हैं बेतवा नदी के इतिहास और उद्गम की कहानी। बेतवा नदी उत्तर भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्यरेज से निकलती है। यह आमतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है और 380 मील बहने के बाद हमीरपुर के पूर्व में यमुना नदी मिल जाती है। इसका लगभग आधा हिस्सा बुंदेलखंड की ऊपरी भूमि में टूटने से पहले मालवा पठार के ऊपर से गुजरता है। बेतवा नदी की जामनी और धमान नदियां मुख्य सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश का मुख्य आकर्षण है बेतवा नदी। बेतवा नदी का बेसिन 17 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23 डिग्री 8 से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बेतवा नदी 470 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। नदी 590 किलोमीटर की यात्रा करके 106.68 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 86,580 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 31,971 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 14,609 वर्ग मीटर। इस नदी का बेसिन एक प्लेट नुमा आकृति लिए हुए है, जिसके चारों ओर बालुई पत्थर की पहाड़ियां हैं। नदी की 14 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें से 11 पूरी तरह से मध्य प्रदेश में हैं और इनमें से 3 आंशिक रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की फेमस जगह दोनों में से स्थित है। यदि इन नदी को मध्य प्रदेश की शान कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ एक तरफ यह नदी मध्य प्रदेश के ओरछा की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी अपने जल से ही खींचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एके न्यूज।